गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल आपके? बीबीए फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीसीए फर्स्ट ईयर एंड बीएससी फर्स्ट ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट एंड बीएससी बीएड सेकंड ईयर, बीए बीएड सेकंड ईयर वाले बच्चों, बता दे आपको एक इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। एज पर डिमांड ऑन स्टूडेंट, मैंने बच्चों से पूछने के बाद ये ईवीएस की क्लासें अब कंटिन्यू स्टार्ट करने का हमने डिसीजन लिया है, और ये क्लासे आपकी जो चलेंगी ना, टाइम टेबल जो रहेगा आपका, वो मोस्ट प्रोबेबली आपका टाइम रहेगा मंडे को, एम फॉर मंडे एंड डब्ल्यू फॉर वेडनेसडे एंड एफ फॉर, यानी जो मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ये थ्री डेज में क्लासे रहा करेंगे। मतलब आपको कुल मिला के बात ये है कि वीक के अंदर आपको थ्री लेक्चर मिला करेंगे। उसमें मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दूंगा आपको, टॉपिक करवाऊंगा आपको, ओके, प्लस मैं आपको 10-10 क्वेश्चन की सीरीज करवाया करूंगा, 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आने चाहिए। तो ये स्टार्ट करने का हमने डिसीजन लिया है, और ये इवनिंग में इसका टाइम रहेगा 5 पीएम सॉरी। अगर मान लो कि क्लास नहीं हुई तो आपको, आप या तो आप मैसेज करके पूछ लेना या मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ओके। तो ये क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। ये एनवायरमेंट की साइंस की क्लासेस जो इंपॉर्टेंट है बीएससी वाले बच्चों के लिए, बीसीए बीबीए बीकॉम और बीए वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और बात करें जिनके पेपर ड्यू पड़े हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे बीएससी सेकंड ईयर में है, जो बच्चे बीएससी फाइनल में हो चुके हैं, प्रमोटेड स्टूडेंट है, उनके लिए भी पेंडिंग है। तो एक टॉपिक चलेगा अपना आधे घंटे का, 40 मिनट का, उसमें आपको आना है और क्लासे लगानी है, और वीकली कम से कम 3 क्लासे आपको मैं दिया करूंगा। अगर कोई क्लास अगर नहीं होनी होगी तो आप मुझसे पूछ लेना कि सर क्लास है कि नहीं है, आधा घंटा पहले, 5 बजे से आधा घंटा पहले, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, नहीं तो मैं तो आपको इन्फॉर्म करूंगा ही करूंगा। मान लो मैं भूल गया तो मैं बात कर रहा हूं। बच्चों, सारे बच्चे आपने क्लास में आना है, अगर आप सारे बच्चे क्लास में आते हो तो मैं कंटिन्यू लेक्चर लेता रहूंगा, वीक में 3 लेक्चर, ओके। एक बात ये होगी अपने, चलते हैं। और पेपर पिछले वाला मैंने दिखाई दिया, लगभग लगभग सारे बच्चों को पेपर आता था, और भी पेपर सॉल्व करवाऊंगा आपको। तो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं आज का, पॉल्यूशन, प्रदूषण। आपसे ही मैं पूछता हूँ, चैट सेक्शन के अंदर बताओ कि पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रदूषण का मतलब क्या होता है, फटाफट डेफिनेशन ऑफ प्रदूषण जल्दी दो। प्रदूषण का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें पॉल्यूशन के बारे में, प्रदूषण के बारे में क्या टॉपिक, क्या डिफाइन करेंगे प्रदूषण के बारे में, जल्दी बताओ फटाफट चैट सेक्शन के अंदर बताओ बच्चों, शाबाश, जल्दी बताओ बच्चों चैट सेक्शन के अंदर कि प्रदूषण का मतलब क्या होता है, प्रदूषण का मतलब क्या होता है। बच्चे बोल रहे हैं कि सर गैसेस के कारण जो पॉल्यूशन होता है उसको प्रदूषण बोलते हैं, गैसेस के कारण एनवायरमेंट में काफी हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं। नहीं बच्चों, ये डेफिनेशन ही बनेगी। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, जीवन के लिए पोल्यूशन क्या है, आपकी लाइफ के लिए ऐसी कौन सी चीज है जो आपको पोल्यूट कर रही है। अगर मैं अपने ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो पोल्यूशन का मतलब क्या है, प्रदूषण का मतलब क्या है। मैं अपने लिए बात करता हूं तो प्रदूषण का मतलब क्या है, जल्दी बताओ फटाफट बच्चों। सिंपल सी बात है, आपके लिए वो हर अनवॉन्टेड, जो आप नहीं चाहते अपनी जिंदगी में कुछ भी होने वाला, अनचाहा, जो अपने को पसंद नहीं है, जो एनवायरमेंट को पसंद नहीं है, उसको बोलते हैं अनचाहा होना, अनवांटेड कुछ हो जाना अपनी लाइफ में, अनवांटेड, अनवांटेड वर्ड यूज करना कि अनवांटेड कुछ भी होना अपनी लाइफ में, घटित होना, इंसिडेंट होना, उसी को तो पोल्यूशन बोलते हैं। और पोल्यूशन को स्टॉप करने का जिम्मेदारी हमारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, है ना। अगर हम पोल्यूशन को रोक नहीं पाए तो हम आने वाले टाइम में अपने आप को डैमेज कर रहे हैं, अपनी अर्थ प्लेनेट को, धरती माता को अपने खत्म कर रहे हैं। ये अपनी जिम्मेवारी है, उसको संभालना पड़ेगा आपको। चलते हैं बच्चों, डेफिनेशन करने जा रहे हैं। एनवायरमेंट की सिंपल सी डेफिनेशन है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन ऑफ ए सिंपली पोल्यूशन रेफर टू अनडिजायरेबल चेंजेस, अनवांटेड। इसी सिंपल सी बात बोलनी है, कोई आपसे पूछे अनडिजायरेबल चेंजेस, अवांछित परिवर्तन ही, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, जितनी भी फिजिकल, यानी ये प्रकाश यानी वायुमंडल, फिजिकल, केमिकल, इसकी केमिकल घटनाओं, बायोलॉजिकली कंपोजिशन, जो जितनी भी हम खा पी रहे हैं, जितना भी हम ईटीएम कर रहे हैं, ईटअप कर रहे हैं, बायोलॉजिकल कंपोजिशन, नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्टिंग ऑफ एयर, वाटर एंड सॉयल, सॉयल पार्टिकल के अंदर, एयर पार्टिकल के अंदर, वाटर के अंदर, अगर अनवांटेड सब्सटेंस आ जाते हैं
तो पोल्यूशन हो जाता है। तो पोल्यूशन ऑल्सो मीन द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल पोल्यूटेंट्स, जो पोल्यूशन को फैलाते हैं, पोल्यूशन को स्प्रेड आउट करते हैं इन एन एनवायरमेंट दैट मेक्स दैट दिस एनवायरमेंट अनहेल्थी टू लाइव इन, हमें अनहेल्थी बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस यूएसए, पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल बायोलॉजिकल केमिकल चेंज, जो काफी हार्मफुल होता है, हार्मफुल इफेक्ट ह्यूमन एनिमल्स प्लांट लाइफ इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस लिविंग कंडीशन एंड कल्चरल असेट्स को हार्मफुल इफेक्ट बन जाता है, यही पॉल्यूशन है। तो आपको याद रखना है अनडिजायरेबल चेंजेस। पर्यावरण प्रदूषण या सामान्य प्रदूषण को संदर्भित करता है भौतिक रासायनिक प्राकृतिक जैविक संरचना में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन को। बच्चों अवांछनीय परिवर्तन को ही कहते हैं अपने पोल्यूशन, प्रदूषण कहते हैं। और इन्हीं प्रदूषण का हानिकारक पदार्थों की उपस्थिति भी है जिससे अवांछनीय परिवर्तन आते हैं। ऐसा करने वाले पदार्थ वातावरण में प्रदूषक कहलाते हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के अनुसार एक अवांछनीय के रूप में परिभाषित किया गया है, एक अवांछनीय कुछ होना, अनवांटेड कुछ होना लाइफ के अंदर, जो मानव को नुकसान पहुंचाता है, पशु को नुकसान पहुंचाता है, पौधों को नुकसान पहुंचाता है। तो अब बच्चों, इस बच्चे ने कहा कि सर डेफिनेशन तो हमारे आएगी नहीं, पेपर तो सब्जेक्टिव है। तो बच्चों बात बता दूं, इस दो पेजों के अंदर एक क्वेश्चन पक्का बनता है दैट डिफाइन द पोल्यूशन। तो ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन आएगा, ए वांटेड सब्सटेंस, बी ऑप्शन अनवांटेड सब्सटेंस, सी ऑप्शन ईटीसी कुछ भी। तो आपको टिक करना है अनवांटेड सब्सटेंस, एक अवांछित अनवांटेड सब्सटेंस है। ए पॉल्यूटेंट इज डिफाइंड एज एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी और मैटर और एक्शन दैट कॉजेज इम्बैलेंस डिस इक्विलिब्रियम इन द रिक्वायर्ड कंपोजिशन ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट सच एज एयर वॉटर। ए पॉल्यूटेंट क्रिएट डैमेज बाय इंटरफियरिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, ए पॉल्यूटेंट डिफाइन मतलब क्या है कि इम्बैलेंस हो जाना, डिसइक्विलिब्रियम आ जाना किसी भी चीज में। मान लो शुद्ध हवा है, गांव की शुद्ध हवा है, विलेज की एक प्योर प्योर एयर है, उसके अंदर व्हीकल चला रहे हो आप, चिमनियां जला रहे हो, तो काफी इम्बैलेंस आ जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा। एक गांव था, एक गांव के अंदर आपका काफी सामंजस्य है और काफी एडजस्टमेंट बनी हुई थी, लेकिन वहां के इकोसिस्टम में इन व्हीकल्स ने, इन पॉल्यूशंस ने आकर के सारी गड़बड़ कर दी। तो उसी को बोलते हैं अपने कि ये हमारा अनवांटेड इम्बैलेंस डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है। प्रदूषक को ऊर्जा या पदार्थ या किसी भी रूप में परिभाषित किया जाता है। वायु जल प्राकृतिक वस्तुओं की आवश्यक संरचना में असंतुलन करने का और समानता पैदा करने का काम करता है। प्रदूषक जीव के जैविक रासायनिक प्रक्रिया के साथ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करना ही, जो वातावरण के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरफेयर करेगा, उसको हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाएगा, उसको बोलेंगे पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में आता होता है कि पोल्यूटेंट कितने टाइप्स के होते हैं। मेनली पोल्यूटेंट दो टाइप के होते हैं, नेचुरल पोल्यूटेंट्स और एक होता है मैन मेड पोल्यूटेंट। एक तो हमारे द्वारा जो पोल्यूटेंट जनरेट होते हैं, एक नेचुरल जिसको प्रकृति पोल्यूटेंट बोलते हैं, प्राकृतिक बोलते हैं। नेचुरल पोल्यूटेंट कोज बाय नेचुरल फोर्सेस सच एज वॉल्केनिक, जो वॉल्केनिक जिसको बोलते हैं ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से भी तो काफी गैसेस निकलती हैं जो एयर के अंदर पोल्यूशन फैलाती हैं, पोल्यूशन को स्प्रेड आउट करती हैं। इसका मतलब वॉल्केनिक इज द एग्जांपल ऑफ द नेचुरल पोल्यूटेंट, नेचुरल पोल्यूटेंट है, प्राकृतिक प्रदूषक है। मैन मेड द रेफर टू द रिलीज एक्सेस अमाउंट ऑफ गैसेस और मैटर बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, फॉर इंस्टेंस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल, जितने भी व्हीकल चला रहे हैं अपने, ऑटोमोबाइल चला रहे हैं उसके कारण काफी नुकसान हो रहा है। आप व्हीकल चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, तो उसे ऑटोमोबाइल बोलते हैं। एड एक्सेस कार्बन मोनोऑक्साइड, काफी क्वेश्चन आ गया ना बच्चों, देखो क्वेश्चन यहां से निकल गया, क्वेश्चन यहां बनता है, वन लाइन में आंसर है बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, यानी मोनो मतलब होता है वन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड काफी रिलीज होती है ऑटोमोबाइल से। क्वेश्चन आता होता है कि ऐसी कौन सी गैस है जो बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है व्हीकल से, तो आप बोलोगे कार्बन मोनोऑक्साइड, और जो कि एटमोस्फियर में कोजिंग बनती है हार्मफुल इफेक्ट ऑन द वेजिटेशन, जितनी भी हमारी वेजिटेशन क्रॉप्स होती हैं, जितनी फसलें होती हैं, एंड ह्यूमन हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है, आपको श्वास से संबंधी प्रॉब्लम्स होती हैं।
प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्रदूषक, हिंदी बात करने जा रहे हैं, प्राकृतिक प्रदूषक ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक शक्तियों के कारण विस्फोट या जंगल की आग, ये वहां भी इंग्लिश वाले भी नोट करना कि जंगल की आग लग जाना, जंगल में आग लग जाना ऑटोमेटिकली, वो भी एक प्रकार का नेचुरल पॉल्यूशन है, नेचुरल पॉल्यूटेंट का फैक्टर काम करता है। मानव निर्मित प्रदूषक ये होते हैं, इसको संदर्भित करते हैं गैसों की अधिक मात्रा का विमोचन या मानव गतिविधियों द्वारा मामला, उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल की यानी व्हीकल, जितनी भी गाड़ियां, जितनी भी बाइक्स है, स्कूटी की संख्या में वृद्धि। अब देखना दीपावली के आसपास देखना कि कितनी बाइक्स बिकेंगी, कितनी व्हीकल्स बिकेंगे। मैं तो कहता हूं कि बैटरी वाली बाइक ले लो, ज्यादा बेटर है, ताकि पॉल्यूशन तो नहीं फैलाओगे आप, पोल्यूशन के रिस्पॉन्सिबल हम सारे हैं। अतिरिक्त कार्बन मोनोऑक्साइड को गैस को बढ़ाते हैं और ये कार्बन मोनोऑक्साइड वातावरण पर हानिकारक प्रभाव डालती है और मानव संसाधनों को हमारी वनस्पति को नुकसान पहुंचाती है, ये बात करने जा रहे हैं अपने, है ना। तो मेन क्वेश्चन क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्वेश्चन बनता है यहां से। और क्वेश्चन बनता है कि मानव निर्मित पोल्यूटेंट कौन से होते हैं, यानी मानव निर्मित प्रदूषक कौन से होते हैं और प्राकृतिक प्रदूषक कौन से होते हैं, मेन क्वेश्चन यहां से बनता है। चले बच्चों आगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट, पोल्यूशन, द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट विच दे अफेक्ट, रिजल्ट कॉज बाय ए पर्टिकुलर पोल्यूशन, ईच टाइप ऑफ पोल्यूशन हैज इज अवन डिस्टिंक्ट कॉज consequences, the major types of pollution are follows: air pollution B, water pollution C, D, 3 number पर noise pollution and D number पर आता है आपका soil pollution। तो इतने type के pollution होते हैं बच्चों, soil and land pollution, समझे, बात को समझाइए आपको बच्चों। चले आगे, तो आपके एयर पोल्यूशन को बोलते हैं वायु प्रदूषण, वाटर को बोलते हैं जल प्रदूषण, नॉइज को बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण, सोयल को बोलते हैं मिट्टी या भूमि प्रदूषण। चलते हैं बच्चों आगे। अब पोल्यूटेंट की एक अनदर डेफिनेशन आई है। एक तो हमने पढ़ा कि पोल्यूटेंट टू टाइप्स के होते हैं, एक तो मैन मेड, एक ऐसे होते हैं नेचुरल, एक होते हैं प्राकृतिक, एक होते हैं कैसे, एक होते हैं मानव निर्मित। एक पोल्यूटेंट की एक अनदर डेफिनेशन है, पोल्यूटिंग सब्सटेंस आर कॉल्ड पोल्यूटेंट, जो पोल्यूशन को फैलाते हैं, पोल्यूशन को स्प्रेड आउट करते हैं, उसको बोलते हैं पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट दे आर मेनली टू टाइप्स, डिग्रेडेबल बाय माइक्रोब्स एंड इनएक्सप्लिकेबल, जिसको नॉन डिग्रेडेबल बोलते हैं, जिसको डिग्रेडेबल नहीं किया जाता बच्चों। डिग्रेडेबल का मतलब होता है कि उसको खत्म कर देना खा करके, ईटअप कर करके बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब का मतलब क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब होता है बैक्टीरिया, फंजाई, फंजाई क्या करेगा, उसको खा जाएगा, ईटअप कर जाएगा, उसको डैमेज कर देगा, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल बाय माइक्रोब, सब्सटेंस दैट डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड लॉस देयर टॉक्सिक इफेक्ट्स, दे आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। ऐसे बहुत सारे पोल्यूटेंट होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अगर हम हिंदी में बात करें तो प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थ को प्रदूषक कहते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटनीय और सूक्ष्म जीव द्वारा अन अपघटनीय। सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटनीय कौन से होते हैं, वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होकर के विषाक्त प्रभाव को खो देते हैं, उसको बोलते हैं अपघटनीय या बायोडिग्रेडेबल, जो अपने टॉक्सिक इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। ऐसे कौन से होते हैं बच्चों, सच एज सीवेज, जितना भी आपकी नदी, जितनी भी आपके नाले होते हैं, नालियां होती हैं जहां से वो सीवेज निकलता है, आपका मल मूत्र, जितना भी गंद निकालते हैं अपने, एक्सक्रीशन सब्सटेंस निकालते हैं, अपशिष्ट पदार्थों, जितने भी अपने त्यागते हैं मानव द्वारा, वो आता है सीवेज में और सीवेज का सारा गंद माइक्रोब्स के द्वारा खत्म कर दिया जाता है। ये लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं करता। बायोलॉजिकल रेजिड्यू मतलब होता है जितने भी सब्जियों के छिलके होते हैं, वेजिटेबल्स वेस्ट होता है, जितना भी आपका फ्रूट्स का वेस्ट होता है, जितना भी आपकी क्रॉप्स की पत्तियां, लीव्स, जितने भी वेस्ट होते हैं, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल रेजिड्यूज, इसको भी खत्म कर दिया जाता है। गार्बेज यानी कचरा, गार्बेज का मतलब कचरा, मतलब इसमें कागज आएगा, इसमें कागज आ गया, पेज आ गए, ऐसा गार्बेज, उसको भी खत्म कर दिया जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ डिग्रेडेबल बाय द फंजाई और बैक्टीरिया, ये दोनों के दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इसको क्या करते हैं, डैमेज करने का काम करते हैं, डिग्रेडेबल करने का काम करते हैं। क्वेश्चन वन लाइन में क्वेश्चन है बच्चों आपके, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स सब्सटेंस दैट आर नॉट डिग्रेडेबल बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द पॉल्यूटेंट आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट फ्रॉम द बिगिनिंग आर हार्मफुल, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। अगर हम आगे हिंदी बात करें, जैसे वाहित मल,
सीवेज जैवीय अपशिष्ट पदार्थ एवं कूड़ा करकट धातु है कि इन पदार्थों की सीमित मात्रा कवक व जीवाणु के द्वारा अपघटित हो जाती है। बच्चों मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में प्रॉपरली आपको नोट देने की कोशिश की है। अन्य अपघटनीय प्रदूषक कैसे होते हैं? ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित नहीं हो पाते ये अन्य अपघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कहलाते हैं, ये आरंभ से ही हानिकारक हो सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल, अगर हम बात करें कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, बच्चों उसके एग्जाम्पल हम कर चुके हैं ना, ये देखो इसके एग्जाम्पल तो हम कर चुके हैं, किसके नॉन, ये देखो बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल अपने कर चुके हैं, सीवेज, बायोलॉजिकल रेजिड्यू। अब अपने नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी अन्य अपघटीय प्रदूषक के उदाहरण पढ़ने जा रहे हैं, सच एज पॉइजनस हैवी मेटल्स, लेड एक प्रकार का पॉइजनस मेटल है, मरकरी भी एक प्रकार का जहरीला तत्व है, ऑर्सेनिक, कैडमियम, निकल, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, जिंक, ये BHC, DDT, 2,4-D फिनोल एंड केमिकल कंपाउंड्स, ये सारे के सारे हमारे लिए हार्मफुल है। BHC का फुल फॉर्म क्या होती है? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड इज द फुल फॉर्म ऑफ द BHC, एक प्रकार का केमिकल है जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। ये सारे केमिकल जो है ना बच्चों यूज करते हैं अपने, उसकी जैसे 2,4-D है, 2,4-D अपने एग्रीकल्चर के यूज करते हैं, ऐसे ही बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, क्वेश्चन आता आ जाता है एग्जाम में कि बेंजीन हेक्सा क्लोराइड की फुल फॉर्म बताओ, BHC की फुल फॉर्म बताओ, तो BHC एन इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड मेनली यूज फॉर एक्सटर्मिनेटिंग व्हाइट एंट्स एंड लीफ होपर एंड टर्माइट, जितने भी लीफ होपर होते हैं जो लीफ खाते हैं, व्हाइट एंट्स जो जो सफेद चींटियां होती हैं उसको खत्म करने के लिए इसका यूज किया जाता है, लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और हमारी नेचर के लिए हानिकारक है, हार्मफुल है। तो BHC का छिड़काव नहीं करना चाहिए, DDT का छिड़काव नहीं करना चाहिए। DDT क्या होता है, आगे डीप में आएगा क्योंकि क्वेश्चन DDT से पक्का बनता है। चले आगे हिंदी बात करें, जहरीली भारी वस्तुएं, सीसा धातुएं, पारा, आर्सेनिक, कैडमियम, निकल, मैग्नीज, लोहा, तांबा, हालांकि जस्ता, BHC है ना, DDT, 2,4-D फिनोल, रासायनिक यौगिक, BHC का मतलब क्या, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, BHC का पूर्ण रूप है। BHC एक महत्वपूर्ण कृषि कीटनाशक है, क्वेश्चन आता था कि BHC क्या है, पेस्टिसाइड कीटनाशक है, मुख्य रूप से चींटियों, पत्ती, ऊपर पत्ती खाने वाले दीमक को भगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो प्रदूषण के बच्चों टोटल 5 टाइप्स के होते हैं, एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण और वाटर पोल्यूशन, मृदीय प्रदूषण, सॉयल पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द्वारा पोल्यूशन जो होता है, एक नया पोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ है, रेडियो वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा जो पोल्यूशन होता है उसको बोलते हैं रेडियोधर्मी या विद्युत चुंबकीय प्रदूषण। तो बच्चों ए ऑप्शन, ए एक नंबर पे एयर पोल्यूशन, सेकंड नंबर पे वाटर पोल्यूशन, थर्ड नंबर पे सॉयल पोल्यूशन एंड फोर्थ नंबर पे साउंड पोल्यूशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो एयर पोल्यूशन है। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसकी डेफिनेशन कल पढ़ूंगा। अब मेरे सामने फटाफट एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन आ चुकी है बच्चों, इसको कराऊंगा कल। अब आपके लिए फटाफट एक क्वेश्चन की सीरीज शुरू हो चुकी है आने वाले टाइम में, चलो चलते हैं आगे, 10 क्वेश्चन की सीरीज, 10 क्वेश्चंस का सेट करवाऊंगा बच्चों, आपको ये करना ही करना है, फटाफट आ जाओ आंसर दो। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द एयर कंसिस्ट ऑफ, ए ऑप्शन ऑक्सीजन, बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड डी ऑप्शन ऑर्गन, हवा के उच्चतम प्रतिशत के अंदर में होते हैं ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन या ऑर्गन, फटाफट इसका आंसर दे दो, मुझे पता है आपको इसका आंसर आता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन से शुरुआत की है मैंने, जल्दी बताओ फटाफट आंसर देते जाओ बच्चों, शाबाश इसका आंसर देते जाओ, बिल्कुल राइट आंसर बच्चे बोल रहे हैं इसका, सी इज नाइट्रोजन इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द एयर कंसिस्ट ऑफ, हवा के उच्चतम प्रतिशत में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में, मोस्ट ऑफ अमाउंट, अबंडेंट अमाउंट में पाई जाती है। चलते हैं आगे, द ताजमहल बीन अफेक्टेड बाय, ताजमहल जो है
वो अफेक्टेड बाय ए नॉइज पोल्यूशन, बी एयर पोल्यूशन, द वाटर पोल्यूशन, डी नन ऑफ दीज। ताजमहल के लिए कौन सा पोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल है? क्या ताज पोल्यूशन को, ताजमहल को नॉइज पोल्यूशन से इफेक्ट पड़ रहा है क्या? क्या ताजमहल को एयर पोल्यूशन से इफेक्ट पड़ रहा है क्या? क्या सी ऑप्शन वाटर पोल्यूशन से इफेक्ट पड़ रहा है क्या? ताजमहल सबसे इससे प्रभावित हो रहा है ध्वनि प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी जल प्रदूषण एंड डी इनमें से कोई नहीं। बच्चों कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर देते जाओ फटाफट, शाबाश बच्चों इसका कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर देते जाओ जल्दी फटाफट, क्या आंसर बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर, ना बच्चे सी नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है बी एयर पोल्यूशन, मेनली एयर पोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल, यानी वायु प्रदूषण, बी टिक कर लो बच्चों, राइट आंसर इज मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड। जल्दी बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा कि मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड अगर बात करें अपने, ऐसी कौन सी? ए ऑप्शन यमुना, बी ऑप्शन कावेरी, सी ऑप्शन चिनाब, चिनाब, डी ऑप्शन गंगा। ए ऑप्शन यमुना, कावेरी, चिनाब, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी कौन सी है बच्चों, जल्दी बताओ। नहीं, ए ऑप्शन टिक कर रहे हैं बच्चे, ए इज नॉट राइट आंसर, गलत है ये, रॉन्ग आंसर, इसका ऑप्शन डी टिक कर लो, गंगा मैया हमारी, गंगा सबसे ज्यादा पॉल्यूशन पॉल्यूटेड हो चुकी है नदी, इसको रीजन इसका सबसे ज्यादा, हम गंगा को तो माँ बोलते हैं, माँ गंगा मैया बोलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट हमने पहुंचाया है, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल ने पहुंचाया, जितने भी इंडस्ट्रियल लोग हैं, उद्योगपति धंधे वाले लोग हैं, उन्होंने गंगा को बहुत ज्यादा पोल्यूशन किया है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैला है। तो डी टिक कर लो, बहुत ही हमारे लिए मारी बात है बच्चों, डी टिक कर लो बच्चों, इसका डी टिक होगा, शाबाश। चलते आगे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आ रहा है, एयर पोल्यूशन कॉजेज, वायु प्रदूषण का मेन कारण है, ई ऑप्शन ग्लोबल वार्मिंग, बी ऑप्शन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड सी ऑप्शन सॉयल इरोजन। वायु प्रदूषण का कारण जो है वैश्विक तापन यानी मृदा अपरदन, मतलब इससे क्या असर पड़ता है, क्या कोज होता है इससे, श्वास प्रणाली की समस्याएं होती हैं या ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है? बच्चे कहेंगे सर सारी चीजें होती है देखा जाए तो, लेकिन मेनली क्या इफेक्ट होता है, जल्दी बताओ बच्चों मेनली क्या इफेक्ट होता है? ए ऑप्शन ग्लोबल वार्मिंग, बी ऑप्शन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सी ऑप्शन सॉयल इरोजन, ए ऑप्शन वैश्विक तापन, बी श्वास प्रणाली की समस्याएं होती हैं या मृदा अपरदन होता है। फटाफट इसका आंसर दे दो, बिल्कुल राइट आंसर इसका बच्चों, फोर्थ का बी टिक कर लो, बी इज राइट आंसर, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है इनमें से, जल्दी बताओ बच्चों। बच्चों नाइट्रोजन क्या ग्रीन हाउस गैस है क्या? ए ऑप्शन नाइट्रोजन, बी ऑप्शन ऑफ ऑक्सीजन, सी ऑप्शन मैथेन CH4 एंड डी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने आपको टॉपिक तो ये वाला ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला नहीं करवाया, मुझे पता है मैं इन फ्यूचर करवाऊंगा आपको, लेकिन आपके बात बता दूं, मैंने ये बात बार बार बोलता हूं कि मेनली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, मेनली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, मुख्यतः ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, जल्दी बताओ फटाफट। तुम कहो सर मैथेन भी तो ग्रीन हाउस गैस है, बिल्कुल मैथेन ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन सबसे मेन गैस कौन सी है बच्चों, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, टिक कर लो। कार्बन डाइऑक्साइड को कभी भी पॉल्यूशन गैस के अंदर शामिल नहीं किया जाता, इंक्लूड नहीं किया जाता, तो इसका आंसर टिक कर लो बच्चों, इसका आंसर होने वाला है क्या, इसका आंसर होगा डी आंसर इज द राइट आंसर, शाबाश। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज 21, बिल्कुल इजी, बी 78, सी 12, डी 87। साथ साथ कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर देते जाओ, चैट सेक्शन के अंदर इसका आंसर देते जाओ, मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला, ये हम तो आंसर बहुत बार कर चुके हैं। चलते हैं आगे, इसका आंसर तुम्हें पता है, व्हाट कॉजेज पोल्यूशन, प्रदूषण का मुख्यतः कारण क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज है क्या? ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज या ट्रीज या बोथ ऑफ दी, नन ऑफ द इफेक्ट, ऐसा कौन सा इफेक्ट है जो बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाता है, जल्दी बताओ फटाफट, शाबाश बच्चों, शाबाश। नहीं बच्चे सी आंसर नहीं होगा इसका, आप गलत बोल रहे हो, सी आंसर इज रॉन्ग आंसर, इसका आंसर बनता है हम जिम्मेदार है, हम लोग जिम्मेदार है, और हम क्या ह्यूमन है क्या,
बिल्कुल भी ह्यूमन नहीं है, कुछ भी ह्यूमन नहीं है, हम में एक भी ह्यूमन वाली क्वालिटी नहीं है, इतना पॉल्यूशन फैला रहे हैं, हद ही पार कर दी सारे हमने, मानव जाति ने पूरे देश का पूरे वर्ल्ड का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है पॉल्यूशन फैला फैला करके। अब देखना आने वाले टाइम में इतना पॉल्यूशन होने वाला है, पराली जला रहे हैं लोग पंजाब के अंदर, तो आपको सामने आपको दिखेगा कि कितना अब जो हवा जो कितनी जहरीली हो जाएगी, आपको सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन टिक कर लो बच्चों, ह्यूमन एक्टिविटीज। चले आगे, शाबाश। सी एन जी इज ए, बड़ा शानदार क्वेश्चन आया है। सी एन जी जो है ना, सी एन जी की फुल फॉर्म बताओ बच्चों चैट सेक्शन के अंदर फटाफट। सी एन जी की फुल फॉर्म बताओ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता होता है, सी एन जी इज ए ऑप्शन पोल्यूशन गैस, बी ऑप्शन क्लीन फ्यूल, हार्मफुल फ्यूल, पॉल्यूटेड फ्यूल, प्रदूषित ईंधन, स्वच्छ ईंधन, हानिकारक ईंधन। आप कभी मेट्रो सिटी के अंदर गए हो, कभी दिल्ली वगैरह गए हो, तो आपने नोट किया होगा कि वहां पर सीएनजी के पंप लगे होते हैं। सीएनजी ज्यादातर ऑटो व्हीकल्स में भराई जाती है, फिलअप कराई जाती है। क्यों? क्योंकि सीएनजी ना कभी भी पोल्यूशन नहीं फैलाती, या पोल्यूशन कभी फैलाती नहीं है, इसको एज ए क्लीन फ्यूल बोला जाता है। इसका बच्चों बी टिक कर लो, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। पोल्यूशन ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, है ना, ऑयल रिफाइनरी, पेपर फैक्ट्री, शुगर मिल्स। पानी का प्रदूषण किसके लिए जिम्मेदार है? कौन कौन सी ऐसी जो पानी का प्रदूषण फैलाते हैं? तेल शोधक फैक्ट्री, कागज के कारखाने, चीनी मिले, सारे की सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है। ऑयल रिफाइनरी, पेपर फैक्ट्री, शुगर मिल। डी ऑप्शन टिक कर लो बच्चों इसका। आगे चलते हैं, क्लोरो फ्लोरो कार्बन इज यूज फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्लास को एंड करने जा रहे हैं, सभी बच्चे बने रहा करो, आधे घंटे की क्लास होती है, फटाफट आपको फ्री कर देंगे। क्लोरो फ्लोरो कार्बन इज यूज इन, कहां यूज होती है बच्चों? ए ऑप्शन रेफ्रिजरेटर, बी ऑप्शन एयर कंडीशनर, पुराने जमाने वाले परफ्यूम। तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन सी एफ सी से काफी क्वेश्चन आते होते हैं। सी एफ सी हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाती है किसको? ओजोन लेयर को। ओजोन लेयर कहाँ मिलती है? स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, समताप मंडल के अंदर मिलती है। और सी एफ सी का नाम एक और होता है, इसको फ्रियोन गैस भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रियोन गैस, इसको फ्रियोन गैस भी कहा जाता है। इसके सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे ए ऑप्शन बी रेफ्रिजरेटर, बी ऑप्शन एयर कंडीशनर, सी ऑप्शन परफ्यूम। आंसर डी टिक कर लो, डी इज राइट आंसर। आपको इतर के अंदर भी मिल जाएगा, एयर कंडीशनर के अंदर मिल जाएगा, रेफ्रिजरेटर के अंदर मिल जाएगा। आज का हमारा सेशन कंप्लीट हुआ बच्चों, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो बच्चों आप साफ बता सकते हैं मुझे। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं अपने, थैंक यू बच्चों। कोई भी प्रॉब्लम लगे बच्चों, ये क्लासेस शुरू की है, कोई दिक्कत हो नहीं आपको, जल्दी बताओ चैट सेक्शन के अंदर फटाफट। आपके लिए स्टार्ट किया मैंने, जल्दी बोलो ये क्लासे कंटिन्यू रखूं? अगर सारे बच्चे एग्री करते हैं तब जाकर के मैं क्लासे ये कंटिन्यू रखूंगा। मैंने हालांकि एनवायरमेंट में काफी कुछ करवा चुका हूं, और भी करवाऊंगा ताकि आपका पूरा पेपर क्लियर हो जाए। और आने वाले टाइम में फ्यूचर में जो बच्चे बीएससी बीएड कर रहे हैं, बीए बीएड कर रहे हैं ना, उनके लिए तो बहुत फायदेमंद है कि रीट के अंदर एनवायरमेंट साइंस का पूरा पेपर आता है और गवर्नमेंट जॉब मिलती है आपको। समझे बात को? बीए बीएड सुन लो, आपके रीट के लेवल फर्स्ट में पूरे के 30 क्वेश्चन एनवायरमेंट से रिलेटेड आते हैं, आपको तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। और बाकी बच्चे जो बच्चे बीएससी वाले जो नॉर्मल बच्चे हैं, उनका तो एसएससी में फायदा है ना। तो क्लासेस लगाते रहो, चलते रहते हैं। ओके बच्चों, बाय बच्चों, मिलते हैं फिर अपने, बाय, थैंक यू।